बिहार के लाल ने कर दिया कमाल। बिहार के लाल ने बना डाला पानी में तैरता हुआ घर। अब बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों का घर नहीं होंगे बर्बाद। बाढ़ पीड़ितों के लिए होगा वरदान साबित, बाढ़ आने पर नहीं बहेगा घर। पानी के ऊपर तैरने वाले घर में रह सकेंगे लोग, गुजारेंगे जिंदगी। जाने इस पानी में तैरने वाले घर की खासियत के बारे में विस्तार से। जी हाँ, बिहार के लाल ने एक ऐसा कमाल कर दिया है जिसे अब पूरे देश के लोग वाहवाही कर रहे हैं, या पूरे देश के लोग उनके इस कार्य को लेकर के सराहना कर रहे हैं और तारीफें कर रही है। आपको बता दें कि बिहार के एक लाल ने पानी के ऊपर तैरता हुआ घर बना डाला है। जहाँ यह घर पानी में तैर रहा है, अगर इसमें बाढ़ आ जाए तो ये घर कभी डूबने वाला नहीं है, बल्कि बाढ़ के साथ साथ घर भी ऊपर आ जाएंगे। जहाँ ये इंटरेस्टिंग वाला घर बिहार के लाल ने बनाया है, हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के विस्तार से साथ बताएंगे। जाने से पहले उससे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज के लिए भी लाइव पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए फिर बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बक्सर में गंगा नदी में एक अनूठा प्रयोग हो रहा है। यहाँ गंगा नदी पर तैरने वाला घर बनाया जा रहा है। ये काम आरा के एक युवक प्रशांत कुमार कर रहे हैं। इस काम में कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड और फिर अन्य देशों के उनके दोस्त भी मदद कर रहे हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल हुआ तो फिर बाढ़ के दिनों में आवास की एक बड़ी चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ, बिहार के आरा जिले के निवासी प्रशांत कुमार बक्सर में गंगा नदी पर तैरने वाला घर बना रहा है। इसमें उनकी मदद कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड और फिर अन्य देशों के दोस्त और फिर स्थानीय वॉलंटियर्स कर रहे हैं। ये घर पानी की तल में लोहे की एंगल से बंधा रहेगा। जब बाढ़ के दिनों में नदी की लहरों के साथ ये घर तैरता रहेगा। ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम शुरू हुआ है। जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत किर्तपुरा गांव के पास गंगा नदी पर तैरता हुआ घर बनाया जा रहा है। इसको लेकर के एक न्यूज चैनल ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इंजीनियर प्रशांत से खास बातचीत की। प्रशांत ने बताया है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की विभीषिका से परेशान रहता है। बाढ़ के समय लोगों को पलायन करना पड़ता है और जब वो फिर से लौट करके घर आते हैं तो फिर उनके पास रहने के लिए घर नहीं रहता है। ऐसे में कुछ ऐसा तैयार करने के लिए सोची जिससे बाढ़ पीड़ितों के घर की समस्या का समाधान हो जाए। इंजीनियर प्रशांत कुमार ने कहा है कि इस घर को बनाने में जो भी मटेरियल का उपयोग किया है वह सब आसानी से नजदीक में ही उपलब्ध हो जाते हैं, या उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंचता है। बाढ़ आने पर यह घर गंगा के पानी के साथ ऊपर चला जाएगा। ये बाढ़ खत्म होते ही फिर से वह अपने स्थान पर आ जाएगा। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो गंदा पानी अथवा जो भी कचरा यहाँ से निकले वह नदी में ना जाए, ताकि नदी भी प्रदूषित ना हो। इंजीनियर प्रशांत कुमार ने बताया है कि उन्होंने साल 2017 में मोटर बाइक से ही भारत से लेकर के स्कॉटलैंड तक का सफ़र किया है। जहां इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कई सभ्यताओं को देखा, जब कई रिफ्यूजी कैंप में गए, जब कई देशों की यात्रा में उनके कई मित्र भी बने, जब उन सब के साथ मिल करके उन्होंने विस्थापितों की मदद की और जब वे लौट करके स्वदेश बिहार पहुँचे तो फिर यहाँ उन्होंने बाढ़ की विभीषिका से परेशान पीड़ितों की मदद की रूपरेखा तैयार की। इंजीनियर प्रशांत कुमार ने बताया है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को बाढ़ खत्म होने के बाद एक बार फिर से अपना जीवन शुरू करना पड़ता है। या ऐसे लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार जो भी सहायता देती है वह कुछ दिनों के लिए होती है। ऐसे में पानी पर तैरने वाला एक घर बनाया जा रहा है जिसमें आराम से कोई भी व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ रह सकता है, खेती कर सकता है और फिर बाढ़ के कहर से अपना बचाव भी कर सकता है। 900 वर्ग फुट में बन रहे इस तैरने वाले घर की लागत लगभग 6 लाख रुपए आने की संभावना है। यह घर बना करके तैयार हो जाता है तो फिर इसे आपात स्थिति में अस्पताल के रूप में प्रयोग लिया जा सकता है, या पर्यटन के विकास के लिए इसे तैरता रेस्टोरेंट बनाया जा सकता है। ऐसे तरह तरह का प्रयोग किया जाना चाहिए। आने वाले समय में इनका उपयोग आवासीय, व्यवसायिक या फिर आपात स्थिति में भी कर सकते हैं। इंजीनियर प्रशांत कुमार के अनुसार इस घर में ना तो डीजल और न ही पेट्रोल जलाने की आवश्यकता होती है और न ही कार्बन उत्सर्जन होता है। या इस घर को बनाने में जिस ईंट का प्रयोग हो रहा है उसे गोबर और मिट्टी तथा धान और उड़द की भूसी से बनाया गया है। या इस ईंट का वजन भी लगभग 250 से 300 ग्राम है। ऐसे में बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जो घर की वेस्ट मटेरियल है उसी से इसका निर्माण किया जा रहा है। या पेंट और इंजन ऑयल आदि के खाली ड्रम, मिट्टी, गोबर जैसी सामग्री से उन्होंने ये घर बनाया है।
इस घर के निर्माण के लिए कई विदेशी संस्थाएं भी सहयोगी है। जी आपको बता दूं कि सहयोग करने वालों में कनाडा के बेन, नीदरलैंड के कॉन एथलेट, जर्मनी के एंड्रेस मुलर, इसराइल के अहमद, बर्लिन से एना जैसे कई नाम हैं जो मेरे सहयोग के लिए भारत आकर के मदद कर रहे हैं। ये कहना है प्रशांत कुमार का। इंजीनियर प्रशांत कुमार ने आगे कहा है कि इसके अलावा स्थानीय लोग भी उनके इस अभियान में सहयोगी बन रहे हैं और मिलजुल करके साथ दे रहे हैं। प्रशांत कुमार ने बताया है कि चाहे पटना हो, आरा हो या फिर बक्सर, सभी जगह प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग मिला है, जहाँ अनुमति मिलने के बाद ही कृतपुरा के समीप गांव में तैरता हुआ घर का निर्माण किया जा रहा है, जहां अब काफी हद तक निर्माण पूरा हो चुका है। घर के ढांचे को स्वरूप देने के लिए लोहे के एंगल का भी प्रयोग किया गया है, जिसका उपयोग कहीं अन्य जगह पर भी जरूरत के अनुसार किया जा सकता है। दोस्तों ये अपडेट बस है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।